हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एस्थालिन 2mg टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। एस्थालिन 2mg टैबलेट का मेनली यूज अस्थमा में किया जाता है। ये टैबलेट आपको 2mg और 4mg की क्षमता में मिल जाएंगे। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये कैसे काम करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट है, इसे यूज कैसे करें, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सिप्ला कंपनी की ये 30 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 4.97 रुपए से यानी 5 रुपए में मिल जाएंगी। एस्थालिन 2mg में सॉल्बुटामॉल 2mg ये कंटेंट समाविष्ट है। सॉल्बुटामॉल यह फेफड़ों तक पहुँचने वाले वायु मार्ग को आराम पहुँचाता है और उन्हें खोलता है, जिससे सांस लेने में आसानी होती है। यह श्वसन मार्ग के मसल को रिलैक्स करने का भी काम करता है। चलिए बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस की। आप इसका इस्तेमाल अस्थमा, कॉर्निक एब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर, ब्रोंकाइटिस की समस्या, सांस लेने में परेशानी होना, फेफड़ों की समस्या, श्वसन संबंधित समस्या, इन सभी समस्याओं में आप इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट, बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की। अगर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी हो तो आपको बताए गए साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको बताए गए साइड इफेक्ट हो तब अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसके इस्तेमाल से आपको सिर दर्द, अपचन, बेचैनी, चिंता, खांसी ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, हार्ट डिजीज की समस्या हो, गुर्दों की समस्या हो, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आपको थायराइड को भी समस्या हो तो इसके इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर को जरूर सूचना करें। अगर आपको इसमें मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी हो या फिर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से साइड इफेक्ट होते हो तो आप इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें। अगर आप पहले से कोई अन्य अस्थमा की टैबलेट, गोलियां या फिर अन्य सिरप या गोलियां खा रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर दें। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंटरेक्शन भी नहीं होता है और इसके साइड इफेक्ट भी नहीं दिखते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन न्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।